और ये देखिए, ये वो बावड़ी है, देखिए ये देखिए, यहाँ कोई है नहीं जो मैं आपसे आपके लिए पूछता कि भाई ये बावड़ी किसने बनवाई, क्या है। ये जो बावड़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली बावड़ी आपके पास में है, कितनी पुरानी होगी आपका आइडिया से? अब साहब हम तो 50 साल का तम होगा, उस पर लाइकी से जाने की पुराने टाइम की है, राजा महाराजा के टाइम की बनी हुई है। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं अभी दोस्तों से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक बहुत खूबसूरत हिस्टोरिकल पैलेस स्टेप बेल पुरानी राजाओं के टाइम की मिली, तो मैं वो आपको अभी दिखाता हूँ। और इस सीरीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, लाइक करते रहना वीडियो को, और मैं ऐसे ही आपके आपको वीडियो बनाता रहूँगा। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ उस बावड़ी के यहाँ। दोस्तों ये रोड आ रहा है दौसा से, और दौसा से गुड़ा कटला वगैरह रोड है, फिर यहाँ से ये आगे निकलता है इस तरह से। और ये मुझे मिली है बावड़ी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी पुरानी है, बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं इस पर। और ये देखिए, ये वो बावड़ी है, देखिए ये देखिए, यहाँ कोई है नहीं जो मैं आपसे आपके लिए पूछता कि भाई ये बावड़ी किसने बनवाई, क्या है। और इस तरह से ये बावड़ी है, देखिए यहाँ इस रोड के किनारे ये बावड़ी बनी हुई है। अभी चलते हैं अंदर, नीचे देखते हैं, चल के आपको बताता हूँ मैं। अब तो ये सूखी हुई है, और ये देखिए ये बावड़ी, और ये आबनेरिक बावड़ी है, उस टाइप में बनाने की कोशिश करिए। देखिए ये सीढ़ियाँ सब उसी टाइप में बनाई हुई हैं, और ये नीचे तक देखिए पूरा सूखा है। और इधर ये देखिए वैसे ही बावड़ी है, वैसे स्टेप बनाई गई इसमें। अब मैं दूसरी साइड से इसको दिखाता हूँ, इधर चलते हैं तो इधर से ऐसा व्यू इस बावड़ी का नज़र आता है। साफ सफाई तो है नहीं, कोई रख रखाव नहीं है, पुरानी ऐतिहासिक जगह है। ये देखिए इधर से भी ऐसा व्यू नज़र आता है, कोई चांद बावड़ी है ना, उसी की तरह इसकी सीढ़ियाँ हैं, बनावट वैसी है, लेकिन ये छोटी है, वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी है। ये देखिए नीचे तक। अब दूसरे साइड से और दिखाता हूँ थोड़ा मैं आपको, थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। देखिए ना कैसा रास्ता है, ओहो इस तरह से दिखाता हूँ मैं आपको, मास्क लेके भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ से ये देखिए सेम वैसा ही लगता है डिज़ाइनिंग, लेकिन ये छोटी है और वो बड़ी थी। ये देखिए अब ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर जो बना हुआ है। और इस बावड़ी के पास में ही पीपल का वृक्ष है बहुत बड़ा, ये देखिए, इसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने इसके यहाँ पर आत्मज्ञान लिया था ना, इसलिए जब से इसका नाम पड़ गया। ये देखिए कौन से देवी देवता का स्थान है, आप जानते हो तो कमेंट में बताना दोस्तों। इस तरह से है ये, और इधर भी पीपल का पेड़ बहुत बड़ा, और इसी के पास में ये है ये बावड़ी। अब मैं थोड़ा ऊपर से आपका इसको व्यू दिखाता हूँ, ऊपर चल के। ये देखिए दोस्तों पत्थर तो बड़े बड़े हैं, और यहाँ से कुछ इस तरह से ये बना हुआ है पूरा। और ये देखिए ऐसे दिखाई देता है यहाँ से, और इधर का व्यू भी ऐसे दिखाई देता है, गजब। आगे जाऊँ कभी गिर जाए कोई भरोसा नहीं है भाई, इसलिए मैं आगे तो नहीं जा पाऊँगा। इस तरह से है, आप देख लीजिए पूरे बाहर का दृश्य, जंगल है एकदम। कौन सा गांव है जी? ये आसन, आसन गांव है। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बाबूलाल। बाबूलाल जी,
तो ये जो बावड़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली बावड़ी आपके पास में है, कितनी पुरानी होगी आपका आइडिया से? अब साहब हम तो 50 साल का तम होगा, उस पहले की जान पुराने टाइम की, राजा महाराजा के टाइम की बनी हुई है, तो आपका आइडिया नहीं है ना, बहुत पुरानी बावड़ी। आपने पानी देखा इसमें? हाँ पानी देखा है। पानी देखा है कितने साल पहले तक? पानी देखे होगा मैं 25 साल हो गई। 25 साल पहले तक इसमें पानी था और अभी सूख चुकी है, रख रखाव भी नहीं है। वैसे है किसकी है, कुछ आइडिया गांव में कौन की है ये? तो ये मीणा अनुकासन गांव से, ये मीणा ही काम बनी, मीनों की है ये। हाँ, भी चलाओ था, यही चलाते थे। चलो तो मीणाओं को ज़्यादा नॉलेज होगा, पुराने आदमियों को किसकी है। चलो ठीक है साहब जी, चलते हैं ना। ओके धन्यवाद साहब। दोस्तों ये कह रहे हैं कि इस गांव का नाम आसन इसलिए पड़ा कि यहाँ एक संत रहता था बहुत समय पहले, तो उसकी सेवाएं करते थे ये मीना। तो वो संत चले गए, उसके बाद में यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस संत की, उसके ऊपर यहाँ जो इसना आसन गांव का मीना है उनका कब्जा हो गया, और उन्हीं के ही पूर्वज यहाँ बसे हुए हैं, उनके औलाद यहाँ बसी हुई है। तो ये सब ज़मीन वगैरह जो बाड़ी उन्हीं की है, उनको भी पहले से ही मिली थी ये। तो इतनी जानकारी मुझे मिली, और ज़्यादा जानकारी के लिए तो क्या बताएं, कोई रिकॉर्ड हिस्ट्री तो है नहीं, या लिखा हुआ नहीं है, कोई शिलालेख लिखा हुआ वो भी नहीं मिला। तो चलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं। और दोस्तों ये बावड़ी का व्यू व्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग लेके आऊँगा और लेके आता रहूँगा, आप भी रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी वीडियो को करें दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करें जिससे कि आशीर्वाद मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। और इस तरह से ये बावड़ी है, तो लाइक करना दोस्तों वीडियो को, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।